का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर वन चैनल बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से काफी पीछे हैं। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहाड़ से मैदान तक हर तरफ मेघों की मनमानी से इलाके पानी पानी हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली के लाजपत इलाके में ट्रैफिक जाम, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद अलीगढ़ प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से जलजमाव हो गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार रुद्रपुर में भी बारिश से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पांच तस्वीर आपके सामने, देखिए किस तरीके से बारिश की वजह से दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं गाड़ियां डूबी हुई हैं, कहीं घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं और इन सब के बीच में पहाड़ दरकने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। पांच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लौटते हुए मानसून की मार किस तरीके से इन पांच जगहों पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोग जो है वो बेहद परेशान है, घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा और आप देख रहे देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त हम हैं गुड़गांव में, गुड़गांव के नरसिंहपुर में, और यहां पर हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। ये सड़क है या तालाब या समंदर, कहना समझना बहुत मुश्किल है। देखिए जरा, वो हाईटेक सिटी, वो साइबर सिटी पानी में यहाँ पर घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। घुटने भर पानी है यहाँ पर फिलहाल, और आगे आप जैसे जैसे बढ़ते हैं हालात और बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा वो गाड़ी कैसे फंस गई है, उसे निकालने की कवायद चल रही है, बाइक पूरी तरह से फंस गई है। तीन लोग बाइक को निकालने की मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए वहां पर गहराई काफी ज्यादा है, अगर आप वहां पर तस्वीरें देखेंगे, नकुल हमारे सहयोगी, हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको तस्वीर वहां पर किस तरीके से उस गाड़ी को निकालने की भी कवायद चल रही है, बाइक भी निकाली गई है बमुश्किल, और बाइक तकरीबन पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है। वो सीट का हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सड़क है, ये रास्ता गुड़गांव से होते हुए जयपुर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर फिलहाल रफ्तार थोड़ी सी धीमी नजर आ रही है। सोचिए जरा, शनिवार का दिन है, वीकेंड्स है, इसलिए यहाँ पर गाड़ियाँ कम नजर आ रही हैं। आम दिनों में क्या हालात होते हुए नजर आते, हालांकि प्राइवेट सेक्टर्स में आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, स्कूलों में छुट्टियाँ दे दी गई। तो और अगर ऐसा नहीं होता, ये अगर सोमवार से शुक्रवार के बीच का दिन होता, तो सोचिए यहाँ पर किस तरीके के हालात नजर आ सकते थे। यहाँ पर ट्रैफिक जो हमने कल परसों भी देखा, 4 से 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम हमने देखा है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी फिलहाल देखिए फिर भी यहाँ पर ब्रेक लगी हुई रफ्तार में नजर आएगी। तो पूरे गुरुग्राम की ये हालत नजर आ रही है। हम अभी फिलहाल सर्विस लेन में है, सर्विस लेन की हालत कितनी खराब है सोचिए जरा। लगभग 7:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। येलो अलर्ट यानी कि बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश होती रहेगी, थमेगी नहीं। और वही हम देख भी पा रहे हैं, आसमान में अभी भी काले बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। आसमान को देख करके समझा जा सकता है कि मौसम का मिजाज फिलहाल बदलने को तैयार नहीं है। मूड जो खराब है मौसम का, वो अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। गनीमत इस बात की है, सोचिए जरा, मानसून अलविदा कह रहा है और अलविदा कहते कहते इतनी तेज बारिश हो रही है मानो सितंबर भूल गया हो कि महीना कौन सा चल रहा है। मानसून देखिए, मानसून की शुरुआत दिनों की ये तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर जो अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं, वो कहीं ना कहीं कई तरह की परेशानियां झेल रहे हैं।
छाते लेने को मजबूर है लोग। यहाँ पर घुटने से ज्यादा पानी है, लोगों ने अपने ट्राउजर्स अपनी पैंट फोल्ड कर ली है क्योंकि गहराई काफी ज्यादा है, यहाँ पर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम भी जब इस सर्विस लेन की तरफ आ रहे थे तो वहाँ पे जो वो गार्ड थे उनसे हमने सहायता ली कि रास्ता किधर से जाएगा, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली यहाँ पे बीच में कई सारे गटर हैं, कई सारी नालियाँ हैं, इसमें आप फंस सकते हैं, इसमें आप मतलब तकरीबन डूब सकते हैं। तो फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर चार तस्वीरें, ये आफत की बारिश है, सितंबर की सितंबर बारिश, चार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं हालात कितने खराब नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखिए, कहीं ट्रैफिक है, कहीं पे लोग यहाँ पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और देखिए भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है तो कई जगहों पर पानी जमा हो गया है, तो लंबी लंबी कतारें भी कई देखने को मिल रही है। और अगर हम फिलहाल मौजूदा ये लोकेशन की बात करें जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है नरसिंहपुर में, हमारे पीछे भी देखिए जरा, नकुल से कहेंगे नकुल जरा अपने तरफ की तस्वीर दिखाइए जरा, किस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर रुक गई हैं, थम सी गई हैं, स्लो हो गई है रफ्तार सबकी। तो स्पीड पर ये ब्रेक है। गुरुग्राम एक मेट्रो सिटी जिस जहाँ पर गगनचुंबी इमारतें हैं, कई ये साइबर हब कहा जाता है, कई इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, दफ्तर हैं यहाँ पर, और वहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अभी फिलहाल ये डगमगा गई क्योंकि आसपास कहाँ कितना गड्ढा है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर इन्हें रोड पार कराने की कोशिश की जा रही है सर्विस लेन से मेन रोड पर। तो ये मार्शल्स यहाँ पर अपने फर्ज को अदा करते हुए, और अब यहाँ पर लग रहा है फिलहाल सड़कों को देख करके कि यहाँ भी ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम आपको मुंबई की तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई में भी भारी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देश का नंबर वन न्यूज चैनल लगातार आपको दिखा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से बारिश हो रही है, मुसीबत की बारिश है ये, सितंबर में ये लोगों पर कैसा सितम टूटा है आप देखिए जरा। तो कई राज्यों में बारिश हो रही है, उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हो रही है, हरियाणा की भी वही हालात है, राजस्थान के भी कई शहरों में बारिश देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए। ऋषिकेश की एक नहर में मिला अंकिता भंडारी का शव, 18 सितंबर से लापता थी अंकिता, देर रात चला आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर। सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए जांच के लिए बनेगी एसआईटी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से आफत, लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में कई जगह सड़कें धंसी, गाजियाबाद और नोएडा में 8वीं क्लास तक के स्कूलों की आज छुट्टी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज पीएम मोदी की बड़ी जनसभा, पीएम के युवा विजय संकल्प रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी, सभा में पहुंचेंगे 1 लाख युवा।